महाराज। हाँ, बहुत गंभीर नजर आ रहे हो आप। आपको तो मालूम नहीं है कि तुम्हारे राज में क्या हो रहा है। अब आप बताओगे तभी तो मालूम होगा महाराज। हाँ, मेरी गलती को जब क्षमा किया जाए तो मैं जरूर बताऊंगा महाराज। हाँ बताइए। सुनिएगा महाराज, तो बताइए। सुनिएगा महाराज। हाँ, अरे दिल का चली है राजन, हरे विजयी मिलन वहां हम मानव राजा। महाराज, हाँ, ये विजयी तुम्हारे राज में महाराज विश्वासघात किया है और ये ठीक नहीं है महाराज। अगर आज्ञा दे तो शीघ्र ही विजयी का सर तुम्हारे कदमों पे लाकर रख दूंगा। सुनिए भैया, हमारा सुन लो ये विजयी के मंजूर है, लेकिन महाराज हमारा एक शर्त है। वो क्या शर्त है? लेकिन महाराज तिलका का मेरे साथ में आपको शादी करना होगा। भैया तिलका के करबे मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जाता हूं विजयी का सर
कलाम करते हुए और आपके कदमों में लाकर रख दूंगा महाराज। हमारी तरफ से आपको फूल क्या है? ठीक है महाराज, कहीं भी हो उसका सर कलम कर महाराज की जय। कहाँ है देवी? अरे भाई मैं तुम्हारे ही खोज में निकला था, पता लगा कि आप यहाँ हैं। ये बात है जी, तो चमलाल जी देखिए हम फुलवारी में बहुत रहते तो भर हो चुका है। हाँ? और जाइए अभी तक राय तिलका भी नहीं आई है, और जाइए मेरा बिस्तर लगाइए, मैं बड़ा बिस्तर मांग करके सड़क ले जा रहा हूँ जी। राय तिलका आएगी तो वापस चला जाएगा, वापस चली जाएगी मेरा धर्म भी बचाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है चमला लाइए जी। तो सती करा माता मेरा उजैनी पुजारा, तो सती करा माता मेरा उजैनी पुजारा, बारा बारी साले कहां मर गए बे? अभी तुझे बहुत मारता हूं। चमलाल मेरा पिस्तौल लगाइए। आराम करता हूँ जी, और रानी तिलकाएगी तो वापस भी हो जाएगी जी। बहुत अच्छा, ठीक है मैं चल रहा हूँ। आधा ओढ़ लेना, आधा बिछा दिया, ठीक है चमलाल। सो रहा है आप जिनके खोज में निकले हैं ना जी, वही आदमी सो रहा है, लेकिन हमको नहीं बताना वही है। हाँ ओ माय गॉड, हमको मत बताना, हम तुमको बताता है, मौका मिल गया है। ओके ओके आए मेरे दोस्त, हमको मत बताना, हमको मत बताना, नहीं बताऊंगा। ओके हम चलता है।
अरे खाए पिए अरे सारे आखिर आए दो हमारे नहा दवा है तो हर माउतिया आयो नारी चरण हमारा अरे आयो नारी चरण हमारा हमारे नहा दवा लिखा मरा माउतिया मरा बहु नारी देखिए जी इस जगह पर केवल हम आप हैं। हाँ इस जगह पे कोई है तो नहीं। इस जगह पे सिर्फ आप हैं और मैं हूँ और आप हैं और तो कोई नहीं है। और तो है किसी से मत बताना मौका अच्छा है। अरे भाई अगर हम किसी को बता देंगे तो हम ही तो दोनों लपेटे में आएंगे। चलिए चलिए लेकिन हाँ देखना उठना पड़े उसको पकड़ के रखना है। अरे चिंता ना करें आप। ये बता असलहा लाया कि नहीं। असलहा अरे काटने वाला। ओ वाह वाह असलहा किधर लाया क्या है एकदम साला पागल है। अरे छोड़ो काटने वाला असलहा हमाम या असलहे की क्या जरूरत है। गर्दन पकड़ के दबोड़ देंगे एक ही देंगे। मैंने दोनों ने देखा और मैं इस लाश को घसीटता हुआ ले जाता हूँ किसी खोजड़े में खोज देता हूँ। लेकिन यहाँ खोजड़ा कहाँ है यहाँ तो जंगल बिहार है। कोई आपके वादा के मुताबिक जो मैंने आपसे कहा था पूरा किया। अरे लैलू राजना अरे विजयी कई मुड़वा अरे लैलू राजना अरे विजयी कई मुड़वा कई दियोती लगा दिया कई कई तू पिया
पूरा करो राजना हमर उमा कहलावा, पूरा करो राजना हमर उमा कहलावा, चवल चौकारे हर तारा रावाना। ठीक है महाराज, आज के जमाने में किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज हमने विश्वास किया वो मिल गया, ठीक है महाराज मैं चल रहा हूं, लेकिन मेरी बात को सुनो, आज तक तुमने दुश्मन का सिधाई देखा है? दुश्मनी नहीं देखा है महाराज, बहुत महंगा पड़ेगा, मैं चल रहा हूं। जाइए, ऐसा दुश्मनी मैंने बहुत देखा है। चम्बलर जो सारा गरजता है वो बरसता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, ठीक ना जी, इसके बाद का कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल नहीं, चलो चलो चलिए महाराज, आइए। हेलो बेलीमान, 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 ये कहां चला जाता है? एक तो मैं आगे से परेशान हूं कि हमारे भैया ने मुझे जाने नहीं दिया, कहां चले जाते हैं? अरे कोई इमरजेंसी काम में चला गया था। तुम्हें मालूम नहीं है क्या हुआ? कि हमारे बाबूजी बगीचे में गए हुए हैं, उनसे मैंने वादा किया थी कि मुलाकात करने के लिए आऊंगी, तो हमारे भैया जाने नहीं दिया और तुम भी नहीं जाने दिया। इसमें हमारी क्या गलती है? मैं तुम्हारे भैया के हिसाब से ही चलूंगा ना, कि मैं तुम्हारे मानूंगा? हमारे हिसाब से नहीं चलोगे फिर? अब तुम्हारे पास आज हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? सही कह रही हो आप, ये मुझे बताओ आज के दिन मैं किसके पास जाऊंगी? सुनो ये मुझे बताओ, अब तुम्हारे पास मौका है, अब तुम जा सकती हो। नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी। क्यों? सुनिए हमारी बात को, बताओ और हमारी बात को गौर कीजिए। बिल्कुल बताओ, हम गौर किए हैं। मैं राजा बावनी की लड़की हूँ, बावन भाई में एक कन्या थी मैं जी, मगर हमारे पिता हमारे शादी के लिए बड़ी तूफान किया, बावन दोनों को सिर कटा के अपने नापदान में छुपा दिया, तेरहवें में शादी किया, शादी में बदला नहीं चुका पाया, गौना देने के वादा किया। गौने में देखिए क्या क्या हो रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ, यही तो मैं बार बार सोच रहा हूँ। हमारे बाबूजी बगीचे में गए हुए हैं, मैं वो चैन के पुचेर को मिला करके अपने बाबू की पता लगाऊंगी। बिल्कुल तुम, और तुम देखते रहना कौन हमारे बाबू की पता बताएगी। ठीक है ठीक है, हाँ यही पे रहना। हाँ भगवान हमारे बाबू की अगर पता तुम बता दिया बड़ी अच्छी बात होगी। या भोलेनाथ, अरे सत्य के अरे हो मोरी वो जय पूजे रावा, या भगवान सत्य हो मोरी वो जय पूजे रावा, या भगवान
बनके आओ बनके करके आई हो क्या लाई हो लाओ जाओ मिली जाओ अपने महल को जाओ जाओ हमारे पिता लोग कहते हैं कि जो पिता पापी होता है वो कन्या का दर्द नहीं जानता है। या भगवान हमारे पापी आज पिता न होते शादी करने की बात बाबू से मुलाकात न होती। जामिनी ये सिर लेकर के बिल्ली लेकर के आई है ये सिर जामिनी जाओ जामिनी जाओ जाओ बिल्ली जाओ जाओ ये लहाद लेकर के गंगा घाट में सती हो जाऊंगी मगर किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगी किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगी। डेवड़ी बाल के आवत है भवन भवन नहीं भवानी माता थी ना ठीक कह रहे हो। अच्छा छोड़िए भैया तुम्हें विश्वास हो गया ना अपने बाप के। हाँ डोड़ीमान जी यही पे तुम रखवारी करना ठीक है। आपको अभी खबर मिलेगी जो आपको खबर मिले वो बता देना कि गंगा घाट पे भैया और भाभी लहाज चल रही है मैं वही लेकर के सती हो जाऊंगी किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगी भैया ठीक है जाओ नहीं जाऊंगी जाओ मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन याद रखना किसी को बताना नहीं ठीक है भैया। के तुम्हारे संग जाई बावरावा के तुम्हारे संग जाई
भाई हो रामा तारे बाज बधाई कितने गहरी नींद में सो रहा है तेरी भैया और भाभी की लाश गंगा घाट पर जल रही है। अरे मूर्ख जाके दादू और धीरा से बता दे कि जाकर के लाश को बचा ले। ए मूर्ख मैं गहरी नींद में सो रहा था लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम, आप क्या कहते हैं? अरे मूर्ख तू कितनी गहरी नींद में सो रहा है तेरी भैया और भाभी की लाश गंगा घाट पर जल रही है, जाके दादू और धीरा से बता ले कि जाकर के लाश को बचा। मुझे क्षमा कर दो और मैं जरूर जाऊंगा। मैं जाता हूं अपने भैया और भाभी, मेरी भैया के लाश जलता है, भाभी रोती होगी, मुझे आवश्यकता है कि तुरंत जाकर उनका सहायता दे, मेरी भाभी रो रही होगी, जाओ वहां जल जाओ। चंबलाल जी क्या बात है, ये महल क्या सोना सोना पड़ा हुआ है? अब आप तो जानते हैं कि आपके बगैर इजाजत के यहाँ पत्ता हिल नहीं सकता और यह तो सोने की बात है। लेकिन हमारे पिताजी कहाँ पर हैं? आपके पिता पिता जी 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 आपके पिताजी बिल्कुल मौन धारण में, यूं समझ लीजिए वो तपस्या में लीन है, एकदम शांत बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके इंतजार में बैठे हो। लेकिन जाइए कोई नाच और गाना कराइए, महल में क्यों सुना पड़ा है? नाच और गाना? आप कह रहे कि नाच गाना हो और अगर महाराज जी नाराज हो गए तो क्या हुआ? उसे इजाजत ले लो ना। ठीक है। भैया क्या बात है? भैया मैं क्या कहूं, बड़ी गजब की कहानी है, कुछ कहा नहीं जाता है भैया। क्या हुआ भैया? क्यों भैया, मेरे भाई विजयी कैलाश गंगा घाट पर इस समय चल रहा है भैया। हाँ भैया मैं सच कहता हूं भैया,